वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। माय सेल्फ सरिता सिंह, और आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A noun is a name of a person, place, animal or thing. तो noun किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को कहते हैं। इसके और example हम देखते हैं। Person में आपके लोग आ गए जिनका नाम है, like राम, मीरा and रिया। ये person है, ये noun है। Places आपके हो गए जैसे कि दिल्ली, जयपुर एंड बिग बाजार, ये भी एक जगह है, एक प्लेस है, इसका नाम है, इसीलिए ये नाउन है। एनिमल में आपके आगे है कैट, डॉग, शीप, ये आपके एनिमल है, ये नाउन है। थिंग्स में आपका आ गया लाइक पेन, मोबाइल, चेयर, ये सभी आपके थिंग्स हैं, ये नाउन है क्योंकि इनके नाम है। तो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। एक और डेफिनेशन हम नाउन की देखते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो नाउन की दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो जैसे कि यहां पर डेफिनेशन देखने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, वो हर चीज जिसका नाम है वो नाउन है। इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, वो नाउन है। जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, मैं आई एम अ पर्सन, मैं भी एक नाउन हूँ, आप एक नाउन है क्योंकि आप एक पर्सन है, एंड दिस इज अ पेन, ये एक थिंग है, ये भी एक नाउन है। और ये वीडियो एक रूम में शूट हो रहा है, तो रूम इज अ प्लेस, रूम भी एक जगह है, इसलिए ये नाउन है। नाउन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नाउन एक होता है विजिबल नाउन, मतलब कि जो वो चीजें जो हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं, जिनके नाम हैं, वो विजिबल नाउन में आते हैं। एक है हमारा इनविजिबल नाउन। इनविजिबल नाउन में, इनविजिबल नाउन में हमारी वो चीजें आती हैं जिनके नाम तो हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लाइक विजडम, नॉलेज एंड ब्रेवरी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये नाम तो है इनका, विजडम, नॉलेज, ब्रेवरी, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते हैं, बस हम इन्हें फील कर सकते हैं। जैसे अभी ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, तो बहादुरी एक नाम है, कितनी है, कैसी है, ये हमें नहीं पता है, बट ये एक हम फील कर सकते हैं। लाइक नॉलेज, जैसे अभी हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आपको नाउन के बारे में नॉलेज दे रही हूँ, तो ये बस चीजें हम जो इनविजिबल नाउन है इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इनके नाम तो है बट इन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं और ये भी नाउन है। विजिबल नाउन में हमने आपको बताया था कि वो सारी चीजें जो हमें दिखती हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, वो सारी चीजें जो हमें दिखती हैं, हमारे आसपास हैं, जिनके नाम हैं, वो नाउन है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, नाउन, नाउन विजिबल एंड इनविजिबल। तो अब हम देखते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने हैं। तो नाउन के टाइप्स 5 हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कवर करेंगे,
लास्ट के थ्री हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्रॉपर नाउन की हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है, प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, देन इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, लाइक मीरा इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है मीरा। हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि हम पर्टिकुलर मीरा के बारे में ही बात कर रहे हैं। मीरा इज अ गुड गर्ल। नो डाउट मीरा नाम के और भी गर्ल्स हो सकती हैं, लेकिन हम जिस मीरा के बारे में बात कर रहे हैं वो यही है। प्रॉपर नाउन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है। सेकेंड एग्जाम्पल, वाराणसी इज अ होली सिटी। तो यहाँ पर जिस होली सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वाराणसी है, हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया है। थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव अ सैमसंग मोबाइल। यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है। मोबाइल और भी हो सकते हैं, किसी और नाम के भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैं अपने मोबाइल की बात कर रही हूँ, जो मोबाइल मेरे पास है वो सैमसंग का मोबाइल है। तो सैमसंग इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने इसको एक नाम दे के हम इसके बारे में, इस थिंग के बारे में हम एक इसका नाम दे के बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन से आप ये समझ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। और प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यहाँ पर आप देखिए। और अगर प्रॉपर नाउन आपका सेंटेंस के बीच में भी आ गया है, फिर भी हम इसको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। तो नाउन का हमारा सेकेंड टाइप है कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग ऑफ द सेम क्लास और अ काइंड। जब हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को किसी एक ही क्लास में, मतलब समूह में या श्रेणी में रख देते हैं, तब वो कॉमन नाउन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि बॉयज खेल रहे हैं। तो बॉयज में कोई भी बॉयज हो सकते हैं, उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम अगर ये देखें कि राम एंड रोहन आर प्लेइंग, तो राम एंड रोहन किस श्रेणी में आते हैं, ये बॉयज हैं, इसलिए ये बॉयज यहाँ पर कॉमन नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू आर शॉप। तो हम ये बता रहे हैं कि हम शॉप जा रहे हैं, तो शॉप को इन जनरल हमने लिया है कि हम शॉप जा रहे हैं, तो यहाँ पर शॉप इज अ कॉमन नाउन। थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है। तो यहाँ पर बुक कोई भी हो सकती है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन जब बुक को हमने एक काइंड एक क्लास में डाल दिया, देन इट बिकम्स अ कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन अ नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग ऑफ अ सेम क्लास और अ काइंड। जब हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को किसी एक समूह या श्रेणी का बताते हैं, तब वो कॉमन नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर आज हमने प्रॉपर और कॉमन नाउन के टाइप्स को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हमारे जो टाइप्स बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, और चैनल अगर आपको पसंद आया है वीडियो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। टिल देन, बाय बाय।